आज भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन आज एबीवीपी पक्षर धारणा दि जाइला धारणा देवापर छात्र छात्री मैंने जो रही एबीवीपी रे सीधा सड़क भाव में राज्य सरकार जो नीति रही विक्षोभ करते सहित जो शिक्षा को लेकिन जो राज्य सरकार पाथर अंतर कर महामारी समय किभली भाव राज्य सरकार जो रही छात्र छात्री मान फ्री को वृद्धि कर गोटे पटे अंपटे जो रही छात्र छात्री नाम लेखा बा री एडमिशन जो पैसा नौ विरोध कर आज राज रास्तारे धारणा देखते धारणा देवा सहित विक्षोभ प्रदर्शन कर सीधा सड़क चित्र आप राजधानी भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन देखुवे कि भाव सीधा सड़क प्रतिक्रिया ने कौन है कहीं आज आंदोलन राज्य विरोधी छात्र सरकार छात्र विरोधी राज्य सरकार आज छात्र को जीवन सहित खेली फीस मागुची कॉलेज रो कलु कलु फीस दबु तापर जीएसटी दबु जो दिन परिवार लोक खाइबा को पाउना थी सही टाइम रे सरकार पैसा मागुची पिला मन को डिप्रेशन पटौ छी आईआईटी पिला को जो पर सीधा सड़क चित्र देखु तबे मास्टर कैंटीन नो किवळी भाबरे छात्र छात्री को एठो पुलिस उठाई नौ छी दीर्घ दिन धरि के एथि से माने दाबी करी आसुथले जते बेले दाबी पूरण होई नै वर्तमान स्थिति रे से माने पुलिस एवं जो रही छात्र छात्री भितर धस्ता धस्ती देखा मिली अनेक छात्र छात्री जो मैंने रही सीधा सड़क भाव में ये आंदोलन को ओह्लैंट आंदोलन को ओह्लैला छात्र छात्री मैंने कहते कि दीर्घ दिन धरिकी जिते कॉलेज बंद रही स्कूल बंद रही कॉलेज खोल पर छात्र छात्री छात्र छात्री री एडमिशन री नहीं री एडमिशन री को बंद करने आज धारणा को सीधा सड़क चित्र आप देखु देखु ये जो अपारग राज्य सरकार दुई वर्ष धरी कॉलेज बंद थे भी पिला पैसा आदाय कर फॉर्म फिल पैसा आदाय कर री एडमिशन फी आदाय करते छात्र छात्री रास्ता को लेते जबरदस्ती नहीं देखते जुलूम शिक्षा विरोधी राज्य सरकार ए अरुण साहू प्रेमानंद साए निहाती भाव इस्तफा देवा दरकार क्रीड़ा को दौंती कला को दौंती किंतु शिक्षा क्षेत्र में मुह मोड़ी ए देशर भविष्य जो मैंने देश गढ़े से मानु मुह मोड़ी ए अपारग राज्य सरकार षड़ी राज्य सरकार आज शिक्षा मास्टर कैंटीन सीधा सड़क चित्र कि भाव में छात्र छात्री मैंने आंदोलन महामारी समय रे जेते बेले कॉलेज बंद रही कॉलेज खोलिला ऑफलाइन पाठ पढ़ा आरंभ है री एडमिशन छात्र छात्री पैसा आदाय करा प्रतिवाद कर आज राजरास्ता को ओल्लैला एबीवीपी एवं सीधा सड़क भाव में मास्टर कैंटीन से चित्र देखु पुलिस सहित धस्ताधस्ती होगापर पुलिस से मैंने घटनास्थल उठे नौ प्रतिक्रिया मैडम कौन है देखो जो भाई भाव राज्य सरकार निजर अपारग निदर्शन देते स्टूडेंट मैंने दि वर्ष कैंपस ना पढ़ी परीक्षा परिस्थिति देखा मिलू छात्र छात्री को यूँ पुलिस उठाई नौ से माने आंदोलन रे बाहरी थिले आज सका एगारटा समय जिते बड़े आंदोलन को बाहरी थिले किभली भाव छात्र छात्री को वर्तमान पुलिस एठ उठाऊ एक धस्ता धस्ती परिस्थिति सहित ये हूँ से चित्र किभली भाव छात्र छात्री को पुलिस उठाई नौ धस्ता धस्ती पुलिस सहित होगापर छात्र छात्री को उठाई उठाई नेबार स्थिति आप देखु दीर्घ दिन धरिकी जिते बड़े स्कूल कॉलेज बंद रही स्कूल कॉलेज खोल पर छात्र छात्री री एडमिशन फी नौ देखो नवीन पटनायक सरकार बारंबार शिक्षा सहित मैंने खेल कॉलेज कैंपस केवल री एडमिशन फीस ना सरकार आईडीए पिला दीर्घ दुई वर्ष परीक्षा पार नहीं पे कांदुचार।
ରୋଜଗାରର ସମୟ ମିଟି ଯାଉଛି। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପଠେଇବେ, ଆମେ ପଠେଇ ଦେବୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ହୁଏତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ସେଇ ସୁନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରିଆଡମିସନ ଫି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ ଫି ଭଳିଆ ଏକ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବିଭିପିର ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ସରକାର ସେକୁ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭଳି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ନବୀନ ସରକାର ଏ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଭଳି ଅପାରଗ ସରକାର, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ନିଜ ଗାଦିରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଯଦି ସେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ କାମ ନ କରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭଳି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏଇଭଳି ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଗାଦିରେ ରଖିବନି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କଲେଜରେ ରିଆଡମିସନର ଫିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିଆଡମିସନ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ରିଆଡମିସନର ଫି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଛି ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରିଆଡମିସନର ଫି ନେଉଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଦାବି କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।